वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत उबलती रही है, देश की राजनीति में एक तपिस रही है। चुनावी मौसम में इस नारे को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल ज़्यादा है। यह उबाल इसलिए है क्योंकि इस नारे को लेकर कुछ बयान सामने आए हैं, कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में भूचाल आया है, उबाल आया है। पहले उस नारे की बात कर लेते हैं, उस बयान की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं, एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, बयानों की वजह से है, अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से या तो विवाद हो जाता है या फिर बिहार की राजनीति गरमा जाती है। तो गिरिराज सिंह ने उस चुनावी सभा के मंच से यह कह दिया कि जिनको कब्र के लिए 3 हाथ जमीन चाहिए, उनको ये नारा लगाना होगा। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हमलावर हो गई गिरिराज सिंह पर। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए और इस तरह के बयान पर तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो जानी चाहिए जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो जाहिर तौर पर बड़ा हमला था गिरिराज सिंह पर, उनके सहयोगी जेडीयू का। और एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल आया, उबाल आया। दूसरा मौका था जब बिहार की राजनीति इस नारे को लेकर गरमाई। दरभंगा की एक चुनावी सभा का वीडियो वायरल हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारे लगवा रहे हैं और एनडीए के तमाम नेता इस मंच पर मौजूद हैं। बिहार के सीएम, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी इस मंच पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जब वंदे मातरम का नारा लगाते हैं तो रैली में आए हुए लोग, सभाओं में जुटे हुए लोग ये नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मंच पर बैठे हुए तमाम नेता नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री के साथ वंदे मातरम। एक व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्तित्व उस मंच पर मौजूद होता है जो यह नारा नहीं लगाता है। सीएम नीतीश कुमार अकेले व्यक्ति थे जो नारा नहीं लगा रहे थे। इस तस्वीर का यह मतलब निकाला गया कि जब प्रधानमंत्री वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे तो नीतीश कुमार असहज स्थिति में थे और जाहिर है इस तरह के मामलों में अक्सर वो असहज हो जाया करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को ये सूट नहीं करता है और नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो अब जब इस वीडियो को लेकर बिहार की राजनीति में खूब उबाल हुआ, खूब खबरें चलने लगी, सवाल पूछे जाने लगे, सवाल उठाए जाने लगे, दोस्ती पर कयास लगाए जाने लगे कि इस वीडियो से जिस प्रकार नीतीश कुमार की असहजता दिख रही है, कहीं दोस्ती में कोई असर न पड़ जाए, दोस्ती की सेहत पर उसका असर न हो जाए, तो अब जेडीयू की ओर से बयान आया है, सफाई आई है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने एक बार फिर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम कोई सार्वजनिक सभा में लगाया जाने वाला नारा नहीं है कि उनको उसको हर सभा में नारा लगाया जाए और किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता या नारा लगाने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये नसीहत है जेडीयू की कि सार्वजनिक सभा में लगाया जाने वाला वंदे मातरम नारा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप सार्वजनिक सभाओं में, चुनावी सभाओं में ये नारा लगाएं और किसी को आप बाध्य भी नहीं कर सकते कि आप वंदे मातरम का नारा लगाइए। और वंदे मातरम गाना न गाना ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं, एक तरह से ये कहने की कोशिश जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने की है। जाहिर है इस बयान के बाद भी राजनीति गरमाएगी क्योंकि जेडीयू ने अपनी ही सहयोगी बीजेपी को एक प्रकार से नसीहत दे दी है, सलाह दे दी है, मशवरा दिया है। तो बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों के लिए, वंदे मातरम पर बड़ा बयान जेडीयू का आया है। जेडीयू के कद्दावर नेता महासचिव केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई बाध्य नहीं है वंदे मातरम गाने के लिए और चुनावी सभाओं में लगाया जाने वाला नारा नहीं है वंदे मातरम। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बिहटा, पटना।